हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि लेसन वन डिस्कस कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमने जितने भी क्वेश्चन या जितने भी डेफिनेशन थे हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उदाहरण है कि 3 बर्तनों में क्रमशः, ठीक है, 882 लीटर, 396 लीटर और 1400 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल है। तो यहाँ पे ये बताना है कि समान माप के यानी इक्वल माप के पीपो, ठीक है, पीपो की कम से कम संख्या ज्ञात करो जिनमें तेल बिना मिलाए भरा जा सके, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो जो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 882 का, 396 का और 1404 का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, ठीक है, यानी मौसा निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था, आप भाग विधि से लगा सकते हो या फिर गुणनखंड विधि से लगा सकते हो, बहुत इजी है। आप कई सारे तरीके हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि हम इसको चलिए भाग विधि के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जूम कर देते हैं और आपका जो अंक था एक बार देख लेते हैं, 882 और 396। तो नियम क्या होता है भाग विधि में कि जो आपकी यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या आपका क्या है 396 और बड़ी संख्या है 882। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 396 में 396 का भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका 882, ठीक है, और उसके बाद है 396, ठीक है, 396 है। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, हासिल कितना बचा है 1, ठीक है। फिर हम 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18, और 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 19 का हासिल 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 6, और 6+1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए यहाँ से हम इस तरीके से, क्योंकि अगर हम 396 का मतलब 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 882 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि घटा देते हैं, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 8 से 1 ले लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, और 7 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 0, तो कुछ नहीं यानी कट गया। अब हम क्या करेंगे, फिर जो 396 है 90 का भाग इसमें देंगे हम तो 396, ठीक है, ये 9 है और 6 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 396 है, ठीक है। अब देखिए 90 से 396 कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा ये 4 बार में, ठीक है, 4 बार में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 90 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और 9 चौको कितना होता है 36, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3 से 3 कट जाएगा, 36 है, 90 है, कितनी बार में जाएगा ये, तो आपका 36 से 90 जाएगा 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, हासिल 1, ठीक है, आपसे भी कुछ दिख नहीं रहा होगा बट आप आसानी के साथ लगा सकते हो। उसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 6, और 1 को ऐड कर देंगे तो 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका 96 है, 90 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 36 है, और यहाँ पे हम इसको भाग देते हैं 2 से, तो ये 2 से जाएगा आपका 2, हासिल 1, और यहाँ पे 3, 6, और यहाँ पे 7, घटाते हैं 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा 1, और 36, ठीक है, और 18 ये जाएगा आपका
दो बार में, ठीक है, कट जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो तीसरा अंक है अगर आप उसको लगाते हैं तब भी उतना ही, यानी जो आपका एलसीएम आएगा, सॉरी एचसीएफ आएगा, वो क्या आएगा आपका यहाँ पे 18 ही आएगा। आप एक बार भाग देकर देख लीजिएगा, उतना ही आएगा 18 ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि समान माप के पीपो की कम से कम संख्या जिनमें ज्ञात करो जिनमें ये तेल बिना मिला भरा जा सके। तो देखिए हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है, 18 है। देखिए यहाँ नीचे बहुत ही अच्छे से लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बुक में अगर हम पीडीएफ देंगे तो आप से भी सोचेंगे यार 9 नहीं होगा। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में गलत हो गया होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 792। जस्ट अभी हमने बताया कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है भाग देने का, तो आप इसके थ्रू बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा एचसीएफ आ गया है 18 लीटर, यानी प्रत्येक पीपे में तेल की मात्रा 18 लीटर है, ठीक है। और पहले प्रकार के तेल में पीपो की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 882 है उसमें 18 का भाग दे देंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। और दूसरे प्रकार के तेल के पीपो की संख्या हम क्या करेंगे, 396 में 18 का भाग देंगे तो 22 आ जाएगा। और उसी प्रकार तीसरे प्रकार के तेल के पीपो की संख्या में हम 1404 में 18 का भाग देंगे, 78 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 49 और 22 और 78 को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से कुल पीपो की संख्या जो आ जाएगा वो आ जाएगा 149, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, अगर इस तरीके से रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 882, 396 और 1404 का क्या निकालेंगे, मोशा निकालेंगे। आप किसी भी थ्रू गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, भाग विधि से निकाल सकते हो। उसके बाद निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपका मोशा आया है उसमें हम 882 में 18 का भाग दे देंगे, 396 में 18 का भाग दे देंगे, 1404 में 18 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आता है इन तीनों को जोड़ के और हम बता सकते हैं कि कितनी पीपो की संख्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस तरीके से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी के साथ लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है ये सेम उसी के जैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 6400 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 2100 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ 6400 मीटर और 7 सेंटीमीटर में दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तब आसानी होगा। 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 20 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2100 सेंटीमीटर। 64 मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो 64 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 6400 मीटर। तो 6400 में 700 को ऐड कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 6407। उसी प्रकार के 2100 मीटर है या 20 मीटर है, तो जब हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 2100 सेंटीमीटर हो जाता है। और हम 2100 सेंटीमीटर में 21 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हमें 2021 प्राप्त हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है, अब आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकते हो। क्या करेंगे, 600 छोटे संख्या के बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो आपका 6407 आया है और आपका 2121 आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की भाग दे देंगे, तो यहाँ जस्ट मैं लगाती हूँ, ठीक है। बट यहाँ देख सकते हो यहाँ लगाया भी गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2121 है और 6407 है, ठीक है। हम 4 से भाग देंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 ही से भाग देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 में, क्योंकि हम अगर 0 से मल्टीप्लाई किसी भी अंक से करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद 4 में से, यहाँ पे देखिए 4 नहीं होगा क्योंकि हमने एक हासिल ले लिया, तो 3 बच जाएगा। तो 3 में से 3 यहाँ पे आपका, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 और 0, तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 3,
6 से 6 कट जाएगा, तो इस तरीके से 344। अब हम क्या करेंगे, 344 छोटी संख्या से इसमें हम भाग देंगे, तो 2021 में अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 4 बार में करेंगे तो कम आएगा, अगर 6 बार में करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को 20 होता है, हासिल कितना बचा हमारा 2। फिर हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 को 20 और 2 22, हासिल कितना बचा है 2। उसके बाद देखिए 15 और 15 2, हासिल कितना हुआ 17। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ जैसे कि अगर हम घटाते हैं तो देखिए फ्रेंड यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ये गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 होगा, और देखिए 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये ध्यान, इससे बहुत ज्यादा मतलब टाइपिंग मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया है, तो ये ध्यान दीजिए, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ 1 तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचा, यानी कट गया। उसके बाद हम 344 में आपका 301 का भाग देंगे, तो 301 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक है, देखिए यहाँ सही लिखा है 301, तो इसको सही कर देते हैं हम 301, और उसके बाद हम घटा देते हैं, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 3 से 3 कट जाएगा, और उसके बाद 43 से 7 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 301 आंसर चला आएगा, और इस तरीके से जो इसका एचसीएफ यानी मोशा हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, आप चाहो तो बहुत ही आसान के साथ इसको कर सकती हो, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, और भाग विधि सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो भाग विधि बहुत ही आसानी साथ बच्चे जो है वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सभी लिख देंगे कि टाइल की भुजा जो है वो है 43 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका प्रश्न है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो हम क्या यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर 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 बांटी जा सके। और देख सकते हो बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो कुछ नहीं करना है, 3, 6 और 12 का आप क्या निकाल देंगे, 3 है, 6 है, और क्या है आपका 12 है, और उसके बाद जो है वो है आपका 15। सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या जो लेंगे 3 नहीं कटेगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर 15 नहीं कटेगा, 15, फिर हम क्या करेंगे 2 लेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, फिर आपका ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 15, ठीक है, फिर हम 3 लेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 से फिर कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा 15, 3 5 15, फिर हम 5 लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 5 या 15, 15 2 की 30 और 30 2 का 60, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 एलसीएम। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, तो जैसे कि आपका 1, 3 इस तरीके से होता है ना, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो, 101 हो गया, 103 हो गया, 105 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो कट जाता है, ठीक है, आपका 5 से कट जाएगा, तो ये इसलिए 105 नहीं होगा, 107 होगा, 109 होगा, तो 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 101, 103, 107 और 109 और बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूरा जितना लघु उत्तरीय प्रश्न था ये खत्म होगा पहला चैप्टर का। अब देखिए अति लघु स्टार्ट हो जाता है, जो कि डेफिनेशन है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसमें आपका 3, 11, 19, 17, ठीक है, 23, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, 18, ये पूरा क्या है, भाज्य संख्या है। अपवर्तक किसे कहते हैं, तो अपवर्तक का अर्थ विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं, जैसे 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये हो जाता है। लछपा निकालने
की कितनी विधियां है, तो लशोपा निकालने की प्रमुख विधि तीन है, अपवर्त्य लिखकर, भाग विधि, गुणनखंड विधि। उसी प्रकार अगर पूछा होता कि मशोपा निकालने की कौन सी विधि है, तो आपका अपवर्तक लिखकर, भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे लिखा भी है मशोपा निकालने की कौन कौन सी विधियां है, तो यहाँ पे आपकी तीन विधि आ जाती है, भाग विधि, गुणनखंड विधि, अपवर्तक विधि। देखिए अपवर्तक विधि किस तरीके से हम मशोपा निकाल सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 4 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, 4 और 6 का, सॉरी 4 और 6 का एचसीएफ यानी मशोपा निकालना है। अब इसको एग्जाम में दे दे कि आपको अपवर्तक विधि के द्वारा निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का अपवर्तक देखेंगे। तो 4 का जो अपवर्तक हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और 4 हो जाता है, यही होता है ना। अगर 6 का अपवर्तक देखें तो आपका 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है, 2 भी होता है, 1, 2, 3 और उसके बाद आपका 6 हो जाता है। और फ्रेंड्स हम यहाँ, अब हमने ये निकाल लिया, बट अभी तो हमारा आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मशोपा निकालना है। तो अब देखिए क्या नियम होता है, HCF होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा, और ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो जब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं 1 और 1, बट क्या है, ये हाईएस्ट नहीं है, लोअर है, 1 है। अगर हम बात करें 2, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं 2 हाईएस्ट है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अगर हम देखते हैं 4, तो 4 इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 4 अधिक तो है बट इसमें नहीं है, 6 अधिक है बट इसमें नहीं है। तो इसमें क्या देखना होता है कि अगर आप अपवर्तक निकाल रहे हो, तो इसमें सबसे पहले हम हाईएस्ट देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कॉमन वो अंक है या नहीं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप भाग विधि से निकालते हो, तो भाग विधि से जो होता है, अब चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 4 और 6 को कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। तो आपका 1 तो मतलब लोअर है, ठीक है। 2 की बात करें, 3 देखिए, 3 4 को नहीं काटेगा, 4 भी नहीं काटेगा, तो सबसे 2 है, तो 2 से 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2 और 3 को कोई ऐसा अंक है जो काट सके, तो नहीं काटता है, तो इस तरीके से। दूसरा जो है वो है आपका, देखिए इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका क्या था, 4 था। तो जब 4 था तो हम क्या करेंगे कि भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2, है ना, 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब हम क्या करेंगे, 4 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कट गया, हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2। तो बहुत सारे ऐसे नियम है जिसको फॉलो करके आप आसानी के साथ बहुत ही क्लियरली, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, बहुत सारे मेथड है, आपको जो इजी लगे आप उसके थ्रू ही लगा सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो है आपका 156, 221, 377 का मशोपा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, सबसे पहले देखिए 156 क्या करेंगे, छोटी बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो आपका क्या है, 221 है, ठीक है, और 156 है, कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि हम 156 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 156 हो जाएगा। अब 11 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 5, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका, देखिए 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 1 से मतलब कट गया, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 156, ठीक है। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है, एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं, है ना। आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, 156, 221 और 377, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 221 हो गया और 156 हो गया, ठीक है। 156 एक बार में जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, 11 में से 5 जाएगा 6, 1 से 1 जाएगा, 1 में से 1 तो 0 कट जाएगा, फिर क्या, 156 लिखते हैं, तो 65 से कितनी बार में जाएगा आपका, लगाते हैं जाता है नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से हम काटते हैं, 2 से अगर करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का अगर हम करते हैं तो 5 दुनी के आपका क्या होता है, 10, 10 का 0 हासिल, 1, फिर 6 दुनी की 12 और 12 और 1 13,
ठीक है, 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 से 1 कट जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 65, 65 यहाँ लगा देते हैं, 6 5 और यहाँ पे आपका 26 है। फिर 26 का अगर हम करेंगे 26 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 26 2 = 52 होता है तो 52 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1, अब तो आसान खत कट जाएगा, 26 है और 13 2 = 26 तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। आप चाहो तो जो दूसरी संख्या है उसका भी 13 से भाग देकर देखिएगा, 377 पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करके आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हो, कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो कि 13 से 377 बहुत ही आसानी के साथ कट गया है, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में और भी देख सकते हो कि ये सेम वही प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से 24, 40 और 64 का मौसपक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप 24 का गुणनखंड कर लीजिए, 40 का गुणनखंड कर लीजिए 64 का, उसके बाद देखिए यहाँ उभयनिष्ठ कॉमन संख्या कितना है, तो 2 आप देख सकते हो, यहाँ भी 3 2 है, ठीक है। हम जोड़ी बनाते हैं, यहाँ 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब लिख देते हैं जो सभी गुणनखंडों में है। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 2 × 2, क्या होता है ना, हम जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाकर, क्योंकि अगर हम 2 का जोड़ा बनाएंगे तो नहीं बनेगा, एक एक रह जाएगा शेष। बट अगर हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी 1 2 है, 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 तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी के साथ लगा सकती है। आप भाग विधि, क्योंकि यहाँ जो बोला है गुणनखंड विधि, तो आप गुणनखंड विधि से ही लगाना होगा। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से 12 9 25 का लवशपक याद कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं कि गुणनखंड विधि से लवशपक, सबसे पहले तो हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा, तो 2 का स्क्वायर और 3 पे घात 1। उसके बाद देखिए 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 और हम घात लिख देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लवशपक 2² 3² और 5² सिंपल हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे और आप सभी का 900 आंसर आ जाएगा। आई थिंक हमने ये पहले भी क्वेश्चन कई बार इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने कई बार इसको डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किसी भी संख्या का लवशपक या मौशपक बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो। फ्रेंड देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि 36 24 20 का भाग विधि से लवशपक ज्ञात करें, ठीक है। तो दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।